देखो छठ पहले जो है ना, पहले जो छठ हमारे वेद पुराण के अनुसार जो है कर्ण भी किया था, छठ माता सीता भी छठ की थी और राजा प्रिय भी किया था, राजा प्रिय व्रत और द्रौपदी भी की थी, लेकिन सबसे पहले जो है छठ किया था तो वो किया था राजा प्रियव्रत ने किया था सबसे पहले छठ। राजा प्रिय जो सबसे पहले छठ किया था तो वो क्यों किया था? देखो राजा प्रिय को जो है ना कोई भी संतान नहीं हो रहा था, राजा प्रिय को जो है कोई संतान नहीं हो रहा था। तब जो है उसको जो है महर्षि कश्यप जो है ना, एक मुनि थे महर्षि कश्यप, वो बोल उनको जो है एक यज्ञ कराने के लिए बोला था, वो यज्ञ कराने के लिए बोला, वो यज्ञ कराया, तब जो है उसकी महारानी जो है प्रेग्नेंट हुई और दुर्भाग्यवश महारानी को जो बच्चा हुआ संतान हुआ था वो मरा हुआ हुआ था। तब जो है राजा प्रियव्रत जब उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे तब तो वो बोलने लगे कि मेरा कोई ना कोई संतान है तो मैं राजा भी हूँ लेकिन जी के क्या करूँगा, ना मेरा कोई संतान है। तब तो वो जो है मौत को गले लगा रहा था, साथ में वो भी जो है अंतिम संस्कार में जैसे हम लोग में करते हैं ना कि जला देते हैं तो उसी में जो है समा रहा था। तब जो है आसमान में चमकता हुआ एक देवी प्रकट हुआ जो षष्ठी देवी के नाम से बताई थी, वो बोली मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं बालकों का जो रक्षा करती हूँ और यदि तुम मेरा पूजा करोगे तो मैं तुझे एक रत्न दूंगा। तो वो रत्न उसको जो है जब पूरा जो है साम्राज्य का जो उसका जो था उसके अंदर जो रहते थे नागरिक री तो उसको जो है ना बोला कि सब जो है पूजा करने लगा। तब से जो है छठ का जो शुरुआत हुआ था और वो जो है सतयुग का बात था, ठीक है। तब से जो है छठ पर्व चलता आ रहा है और यूपी बिहार और झारखंड में जितना भी लोग रहता है वो कहीं भी देश या कोई भी देश का कोना में क्यों ना हो लेकिन छठ व्रत में जरूर वो अब वापस आता है। काहे कि छठ की महिमा जो है ना अपरंपार है। जय छठी मैया।